Hello, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Now, student, it's your EVS class and textbook looking around class 3rd. And we have to read today's chapter 5 Chhotu's House, chapter number 5. And it's a video first, video one of this chapter. Alright, here we will start from some pictures. Okay so before start we read this chapter so you have to study the pictures you have to watch very carefully and after that you have to give answers all right so let's start students चैप्टर नंबर फाइव सी एच एच ओ टी यू एपेस्ट्रॉफी एस छोटो एच ओ यूएसई हाउस छोटू का घर छोटो हाउस छोटू एपेस्ट्रॉफी एस मीन्स छोटू का हाउस मीन्स घर ओके तो छोटू का घर कैसा है वो हम इस पिक्चर्स में देख सकते हैं और राइट सो लेट स्टार्ट छोटू सी ए एम ई के टी ओ टू एम यू एम बी ए आई मुंबई एफ ओ आर फॉर टी एच ई द एफ आई आर एस टी फॉर्स टी आई एम ई टाइम छोटू के मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम के टू को मुंबई सिटीज नेम फॉर के लिए द फर्स्ट टाइम पहली समय पहली बार छोटू पहली बार मुंबई के लिए आता है ओके सो हेयर स्टूडेंट यू हैव टू watch these pictures very carefully all right it's a picture one picture two picture three picture four picture five and picture six okay so now after observing and after watching this picture you have to answer so first question w-h-a-t what d-i-d date c-h-h-o-t-u chotu टी एच आई एन के थिंक डब्ल्यू एच ई एन वैन एच ई ही एल ओ ओ के ई डी लोग्ड टी एच ई द एफ ओ एल एल ओ डब्ल्यू आई एन जी फॉलोइंग स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग ये जो चित्र अभी आपको दिखाए गए स्टूडेंट्स वन टू थ्री फोर एंड फाइव और सिक्स पिक्चर्स जो आपने अभी देखे इसको आपको ध्यान से देखना है एंड आंसर द फॉलोइंग ओके और इन क्वेश्चनों का जो नीचे दिए गए प्रश्न है इनका उत्तर आपको बताना है सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आई विल रीड हियर डब्ल्यू एच ए टी वो डी आई डी डेट सी एच एच ओ टीय छोटू टी एच आई एन के थिंक डब्ल्यू एच ई एन वैन एच ई ही एल ओकेड ए टी एट टी एच ई दी आई पी

पर पिक्चर देख रहे हैं छोटू इस पाइप को देख रहा है ठीक है अब छोटू इस पाइप को देख रहा है तो वह क्या सोचता है आपको इसके साथ और पिक्चर्स भी देखना है तब आपके पास ये आंसर आएगा कि छोटू ने इस पाइप को देखकर क्या सोचा सो स्टूडेंट्स आई विल टेल यू कि छोटू ने इस पिक्चर को देखकर क्या सोचा ओके okay? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छोटू इस पाइप में रह रहा है इस पाइप में बहुत सारे काम कर रहा है बारिश भी हो रही है हवा भी चल रही है ठीक है तो छोटू ने डेफिनेटली क्या सोचा होगा छोटू वह छोटू लुक्ड एट द पाइप ही थॉट दैट पाइप बी द सेफेस्ट प्लेस टू लिव एंड पाइप कुड सेव हिम फ्रॉम स्ट्रॉस रेन एंड कोल्ड तो छोटू ने जब इस पाइप को देखा क्योंकि वह पहली बार मुंबई आया था उसके पास रहने को घर नहीं था तो छोटू ने क्या देखा जब उस पाइप को देखा तो उसने यह सोचा कि यह पाइप मेरे लिए बहुत ही सुरक्षित स्थान है जहां पर मैं बारिश से धूप से बच सकूंगा और यहाँ पर रह सकूंगा जब तक कि मेरे पास कोई घर ना हो ओके तो छोटू यू कैन ओकेड लीव इन दैट mind एंड दिस came to केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एट he ही डिड नॉट a हाउस टू live in. तो इसलिए जब वह मुंबई पहली बार आया उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था तो छोटू ने सोचा कि यह पाइप मेरा घर बन सकता है जो कि मुझे वर्षा धूप हवा से बचा सकता है ओके So again I am writing I am telling you answer when you will start your writing work then I will write and you will write that time okay so tell this time listen carefully what's the answer of this question what did Chotu think when he looked at that pipe when Chotu looked at the pipe he thought that pipe would be the safest place to live pipe could save him from strong winds rain and cold all right now second question how h o w how did -D, did c h o t u, -Chotu, u -S -E, use Th -E, the the P -P pipe okay how did to use the pipe छोटू ने हाउ मीन्स कैसे डिड मीन्स किया छोटू यूज मीन्स प्रयोग करना इस्तेमाल करना पाई पाइप छोटू ने पाइप का इस्तेमाल कैसे किया तो आपको मालूम है स्टूडेंट्स छोटू ने पाइप का इस्तेमाल कैसे किया अपने रहने के लिए के अपने घर के रूप में किया सो यू कैन से दैट छोटू यूज द पाइप एज आर होम छोटू ने पाइप का इस्तेमाल घर के रूप में किया ओके अगेन लिसन दिस आंसर छोटू यूज द पाइप एज अ होम ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन इन टू डब्ल्यू एच आई सी एच विच P-A-R-T-S parts D-I-D did C-H-H-O-T-U chotu D-I-V-I-D-E divide T-H-E the P-I-P-E pipe A-N-D and I-T-S its S-U-R-R-O-U and D-I-N-G surrounding A-R-E-A e, area question mark into which parts did chotu divide the pipe and its सराउंडिंग एरिया इन टू मैं विच पार्ट कौन कौन से भागों में डिट मींस किया छोटू छोटू डिवाइट मींस बाजित कियाके सराउंडिंग एरिया चारों ओर के एरिया मीन्स क्षेत्र तो छोटू ने पाइप को और इसके चारों ओर के भाग को किस किस भाग में बाटा तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन पिक्चर्स में छोटू सो रहा है छोटू कपड़े धो रहा है बाहर की साइड छोटू खाना बना रहा है ओके और इधर पर छोटू ने कुछ कपड़े भी सुखाए हैं और यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ इसके बाहर के भाग में बैठा हुआ है ओके सो यू कैन टेल स्टूडेंट्स छोटू डिवाइडेड द पाइप्स ओके छोटू डिवाइडेड द पाइप्स इन इट्स सराउंडिंग एरियाज एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज इनटू किस किस में बांटा था इनटू स्लीपिंग कोकिंग बाथिंग एंड लिविंग एरिया छोटू ने एक पाइप को सोने के लिए बांट दिया था एक पाइप के एक भाग को सोने के लिए बांटा पाइप के दूसरे भाग को उसने वहाँ पर खाना बनाने के लिए बाँटा और कुछ भाग को उसने नहाने का जो उसका लास्ट भाग था बाहर की ओर का उसको नहाने के लिए बांट दिया और उसके बाद एक साइड बाहर के एरिया को उसने शेड्स लगाकर लिविंग एरियाज में यानी कोई उसका फ्रेंड आता था तो उसके साथ बैठने के लिए उसको बांट दिया अगेन आई एम टेलिंग दिस आंसर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली छोटू डिवाइडेड द एंड इट्स अ सराउंडिंग एरियाज टू स्लीपिंग बाथिंग एंड लिविंग एरियाज ऑल राइट नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आई एन इन डब्ल्यू एच आई सी एच विच पी ए आर टी पार्ट ओ एफ ऑफ T-H-I-S-THIS, -E, H-O-U-S-E, HOUSE, -L -L, W-I-L-L, WILL, C-H-H-O-T-U, CHOTU, -E, L-I-K-E, LIKE, T -t to SPEND, M -O -S -T -E -M, M-O-S-T, MOST, of H I S H-I-S-HIS, T-I-M-E, TIME, IN WHICH PART OF THIS HOUSE WILL CHOTU LIKE TO SPEND MOST OF HIS TIME, IN WHICH PART, IN MEANS ME, WHICH MEANS स कौन से पार्ट मींस भाग ऑफ दिस हाउस इस घर के विल छोटू लाइक like टू स्पेंड जिसमें छोटू को लाइक टू स्पेंड मीन्स व्यतीत करना मोस्ट ऑफ टाइम उसका अधिक समय तो कौन से इस पाइप के कौन से भाग में छोटू को अपना ज्यादा समय व्यतीत करना पसंद होता था तो स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा कि छोटू को आउटसाइड वाला पाइप

पाइप का आउटसाइड का जो भाग था वह उसमें रहना ज़्यादा पसंद था क्योंकि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं छोटू ज्यादातर पाइप के बाहरी भाग में रह रहा है देखो यहाँ पर भी बाहर भाग में है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ओके सो यू कैन टेल स्टूडेंट्स छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिस टाइम आउटसाइड द पाइप ओके फॉर डूइंग हिज डेली वर्क लाइक बाथिंग कुकिंग एंड मीटिंग विद हीज फ्रेंड्स ओके क्योंकि ज्यादातर समय वो अपने दोस्तों दोस्तों के साथ मिलने में व्यतीत करता था नहाने में व्यतीत करता था और ज्यादातर समय वो अपना खाना बनाना नहाना कुकिंग मीटिंग फ्रेंड्स में बाहर के काम में ज्यादा समय व्यतीत करता था तो पाइप के बाहरी भाग में ज्यादा रहता था ऑल राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स वाई डू यू थिंक डब्ल्यू एच वाई Y D O two Y O U U T H I N K think. सी एच एच ओ टी यू छोटू आई एन वी आई टी ई डी इनवाइटेड एम ओ एन यू मोनू टी ओ टू एल आई वी ई लेव डब्ल्यू आई टी एच विद एच आई एम हिम आई एन एन टी एच ई द पी आई पी ई पाइप वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लीव विद हिम इन द पाइप वाई मीन्स क्यों डू यू थिंक आप क्यों सोचते हो छोटू इन्वाइटेड इन्वाइटेड मीन्स आमंत्रित करना बुलाना मोनू को वह क्यों बुलाता था टू लीव रहने को विथ हिम उसके साथ पाइप में तो आपको क्या लगता है कि वह मोनू जो उसका दूसरा फ्रेंड था मोनू को अपने साथ वो रहने के लिए क्यों बुलाता था क्यों बुला रहा होगा ठीक है तो हमारे अगर आप सोचें स्टूडेंट्स अगर हम हम अगर इस बात पर सोचें कि वह मोनू को छोटे पाइप में रहने के लिए क्यों बुला रहा है क्योंकि मे बी मोनो इज न्यू टू मुंबई मोनो भी मुंबई पहली बार आया हो नया हो और उसके पास कोई भी स्थान ना हो रहने के लिए इसीलिए वह अपने साथ उसको रहने के लिए बुला रहा है ओके स्टूडेंट्स सो यू कैन राइट लाइक दिस मोनू इज न्यू टू मुंबई एंड हैड नो प्लेस टू लीव सो छोटू इन्वाइटेड हिम टू लिव विथ हिम इसीलिए तो वह पाइप में रहने के लिए बुला रहा होगा वरना उसके पास भी कोई इतना बड़ा घर तो नहीं था तो लेकिन उसने मोनू की प्रॉब्लम्स को समझा होगा कि मोनू के पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है वह भी मुंबई में नया है तो इसलिए वह उसको इन्वाइट कर रहा था अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर वाई डू यू थिंक छोटू इज इन्वाइटेड मोनू टू लीव with him in the pipe mono is new to mumbai and had no place to live so choto invited him to live with him all right now next students turn this page d r a w draw okay a p i c t u r e picture draw a picture of of y o u r u r h o u s e house टी आई एन इन वाई ओ यू आर यूर एन ओ टी ई बी ओ ओ के नोट बुक ए एन डी एंड सी ओ एल ओ यू आर कलर आई टी एट ड्रॉ आ पिक्चर ऑफ यूर हाउस इन यूर नोट बुक एंड कलर एट ना इट्स योर एक्टिविटी वर्क स्टूडेंट्स ओके एक्टिविटी एज यू एज वेल एज यूर ड्राॅइंग वर्क ऑल्सो ठीक है अब आपको क्या करना है अपने घर का चित्र बनाना है एक ड्राइंग पेपर में ओके okay? उसको आप अपनी नोटबुक में स्टिक करेंगे चिपकाएंगे एंड कलर कलर इट और जो पिक्चर आप अपने घर का बना रहे हैं उस पे आपको आपको भी भी करना है आपको रंग भी भरना है कि रंग भरना ओके तो आप ये स्टूडेंट्स ड्रॉइंग पेपर में करेंगे बिकॉज आपकी कॉपी तो रूल्ड पेज वाली कॉपी है ठीक है तो आप ड्रॉइंग uh, पेपर में करिए और आपकी नोटबुक के पेपर साइज के अकॉर्डिंग आप ड्रॉइंग पेपर लेंगे और जब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे देन यू विल पे It and that time I will tell you where you have to paste this drawing paper of your house picture. Alright. Okay. So now come to the next question. W H O who A L L all L I V E Live w -I -T -H, with Y O U, -U I N in your H O U S E house. Who all live with you in your house. हु मीन्स कौन, ऑल मीन्स सभी लीव मीन्स रहते हैं विथ मीन्स साथ यू मीन्स तुम्हारे इन मीन्स मैं योअर मीन्स तुम्हारे हाउस मीन्स घर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ कौन कौन रहते हैं तो स्टूडेंट्स आपके घर पे आपके साथ ऑफकोर्स यूर पेरेंट्स रहते होंगे ग्रैंड पेरेंट्स रहते होंगे आपके कजन रहते होंगे तो जो भी आपके साथ आपके घर पे रहते हैं यू हैव टू राइट देअर नेम ऑल राइट सो यू कैन राइट लाइक दिस माई

ग्रैंड मदर मदर फादर ब्रदर एंड सिस्टर अगर आपके अंकल आंट यानी चाचा चाची रहते हैं यू कैन राइट माई अंकल आंट यू कैन इंक्लूड हेयर ऑल राइट सो दिस आंसर आपको अपने से लिखना है कि कौन कौन आपकी फ़ैमिली में रहते हैं ओके okay? तो सपोज अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में आपके मदर फादर एंड सिस्टर रहती हैं तो यू विल राइट लाइक दिस ओके और अगर ग्रैंड मदर आपके साथ रहती है तो आप ग्रैंड मदर भी लिख सकते हैं सो राइट स्टूडेंट्स सो राइट डाउन ग्रैंड मदर G R A N D Grand M O T H E R Grandmother and write down Grandfather G R A N D F A T H E R Grandfather Your Mother Write down M O T H E R Mother and फादर एफ ए टी एच ई आर फादर ओके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर मदर फादर सिस्टर अगर आपकी सिस्टर आपके साथ रहती है आप सिस्टर लिख सकते हैं ब्रदर आपके साथ रहते हैं तो आप ब्रदर लिख सकते हैं बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर ओके और इसके अलावा कोई और फैमिली मेंबर आपके साथ रहते हैं तो आप उनका नाम भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो लाइक बुआ चाचा माई अंकल ओके मासी जो भी आपके साथ रहते हैं उनके नाम भी आप इंक्लूड इसमें कर सकते हैं ओके नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सी एच एच ओ टी यू छोटू डी आई वी आई डी ई डी डिवाइडेड डी एच ई दी आई पी ई पाइप आई एन टी ओ इंटू डी आई एफ एफ ई आर ई एन टी डिफरेंट पी ए आर टी एस पार्ट्स फुल स्टॉप छोटू डिवाइडेड द पाइप इंटू डिफरेंट पार्ट्स ओके छोटू डिवाइडेड मीन्स बाटा द पाइप, पाइप को इंटू मैं डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट मीन्स अलग अलग पार्ट्स मीन्स भागों में छोटू ने अलग अलग-अलग भागों में पाइप को बांट दिया राइट लिखिए द नेम्स उनके नाम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मीन्स के डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग भाग ऑफ योर हाउस आपके घर के अब छोटू तो पाइप में रहता था तो उसने अपने पाइप के अलग अलग भाग कर दिए बांट दिए पाइप को ठीक है सोने का स्थान अलग बनाया और लिविंग रूम उसने अलग बनाया बैठने का स्थान अलग बनाया खाना बनाने का नहाने का बाथरूम ये सब उसने पाइप में डिवाइड कर दिए ओके okay, बट आप लोग तो पाइप में नहीं रहते आप लोग अपने घर में रहते हैं तो डेफिनेटली आपके घर पे भी अलग अलग भाग होंगे है ना आप अपने एक ही रूम में तो नहाना खाना सोना पढ़ना नहीं करते होंगे आपके घर पर भी आपने अपने घर को कई पार्ट्स में कई रूम्स में डिवाइड किया होगा सो यू हैव टू राइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूर हाउस हेयर ओके सो राइट डाउन स्टूडेंट्स लाइक आप सभी के घर में आपका एक ड्राइंग रूम होगा जहां पर आप अपने गेस्ट के साथ या आप सभी लोग उस रूम में बैठते होंगे सो राइट डाउन ड्रॉइंग रूम डी आर ए डब्ल्यू आई एन जी ड्रॉइंग रूम आर ओ ओ एम ठीक है ड्राइंग रूम आप सभी के घर पे एक डिवाइड होगा ये रूम ओके ड्राइंग रूम के अलावा आपके घर पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट रूम होता है दैट इज़ अ बेड रूम जहाँ पर आप सोते हैं स्लीपिंग रूम ओके सो राइट डाउन, बेड रूम ओके एंड थर्ड वन स्टूडेंट्स किचन जहाँ पर आपके घर पर खाना बनता है सो राइटाउन के आई टी सी एच ई एंड किचन ओके फोर्थ स्टूडेंट्स आपका होता है टॉयलेट होता है ना आपके घर में टॉयलेट का भी एक भाग होता है ओके टॉयलेट नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स बाथरूम जहां पर आप क्या करते हैं नहाते हैं कपड़े धोते हैं बाथरूम इसके अलावा हो सकता है स्टूडेंट्स आपके घर पे स्टडी रूम भी आपका हो ऐसा रूम जो सेपरेट होता है आपकी पढ़ाई करने के लिए जहाँ पर कोई भी या किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होता तो अगर आपके घर पे स्टडी रूम भी है तो आप लिख सकते हैं एस टी यू डी वाई स्टडी रूम हो सकता है आपके घर में स्टडी रूम ना हो आप अपने बेडरूम में ही पढ़ाई करते हो लेकिन आपके घर पर मंदिर का रूम हो सकता है है ना तो यू कैन राइट यार पूजा रूम या मंदिर रूम ओके पूजा का कमरा या मंदिर का कमरा ओके तो आप ये लिख सकते हैं कि ड्राइंग रूम बेडरूम किचन टॉयलेट बाथरूम मंदिर ठीक है मंदिर नहीं है स्टडी रूम आप लिखेंगे ऑल राइट और हो सकता है इसके अलावा आपके रूम आपके घर पे स्टोर रूम भी बना हो तो आप उसे स्टोर रूम भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ओके So now again I am repeating this answer. Question is show to divide it the pipe into different parts. Write the names of the different parts of your house. So the answer is drawing room, bedroom, kitchen, toilet, bathroom, study room. Okay. Now come to the next question: how much time in a day? Okay, H O W how M U C H much. T I M E time I N N A D A Y day D O do -O -E spend part O F house How much time in a day do you spend in each part of your house? हाउ मच कितना अधिक टाइम इन समय इन अ डे दिन में डू यू स्पेंड आप खर्च करते हैं इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस इन सभी कमरों में ये जो घर के सभी रूम हैं सभी डिवाइडेड रूम हैं इनमें आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं तो आप ये आंसर अपनी कॉपी में लिखेंगे बट दिस टाइम ओवरली आई विल टेल यू ओके स्टूडेंट सपोज हम अगर बेडरूम की बात करें तो आप बेडरूम में स्टूडेंट्स कितना टाइम स्पेंड करते हो सम सम थिंग एट आवर्स आठ घंटे क्योंकि आठ घंटे तो आप सोते ही हैं है ना तो आप आठ घंटे नौ घंटे इतना आप मिनिमम आप एट आवर्स तो अपने बेडरूम में स्पेंड करते ही हैं और इसके ऊपर और नीचे अगर आप सेवन आवर्स या टेन आवर्स अगर आप अपने बेडरूम में स्पेंड करते हैं हो सकता है आप पढ़ाई करने के लिए भी बेडरूम का इस्तेमाल करते हो तो आप वहाँ पर एट आवर्स की जगह आप क्या लिख देंगे ट्वेल्व आवर्स कर सकते हैं एट आवर्स स्लीपिंग टाइम फोर आवर्स स्टडी टाइम्स ओके अगर आप सिर्फ सोने के लिए अपना बेडरूम का इस्तेमाल करते हैं यू विल राइट एट आवर्स अगर आप सोने के लिए और साथ में पढ़ाई करने के लिए भी अपना बेडरूम यूज करते हैं तो यू कैन राइट ट्वेल्व आवर्स ओके एंड ड्राइंग रूम आप ड्राइंग रूम का इस्तेमाल कितना करते हो तो मोस्टली स्टूडेंट्स आप जब कभी कोई गेस्ट आता है तभी आप अपने ड्राइंग रूम में बैठते हो या फिर सभी फ़ैमिली मेंबर्स जब कोई बात आप करते हैं एक साथ मिलकर बैठते हैं तो तब आप लोग बेडरूम आप ड्राइंग रूम पर बैठते हैं तो मोस्टली वन आवर और टू आवर ही आप अपना ड्रॉइंग रूम में अपना टाइम स्पेंड करते होंगे अब बात आई स्टडी रूम की स्टूडेंट्स अगर आपका स्टडी रूम है तो आप एटलीस्ट फोर आवर्स आप अपने स्टडी रूम में स्पेंड करते हैं चार घंटे तो आप अपने पढ़ाई करते ही होंगे घर पे है ना वन आवर मॉर्निंग टू आर इवनिंग एंड वन आवर आफ्टर रेस्ट फ्रॉम स्कूल स्कूल से आने के बाद भी आप वन आवर अपना होमवर्क करने में अपने स्टडी रूम में स्पेंड करते हैं ओके यू विल राइट स्टडी रूम आई विल स्पैंड फोर आवर्स इन अ डे ओके एंड किचन में स्टूडेंट्स आप हार्डली वन एंड हाफ मीन्स कि आप आधा घंटा या वन आवर आप स्पेंड करते होंगे इन अ डे वाइल यूजिंग टू टेकिंग अ मील जब आप अपना खाना खाते हैं तभी आप अपने किचन का यूज़ करते हैं ओके okay? तो आप अपने किचन में खाना खाने के लिए मीन्स फिफ्टीन मिनट मॉर्निंग फिफ्टीन आफ्टरनून एंड फिफ्टीन नाइट यानी कि आप फोर्टी मिनट्स या वन आवर या फोर्टी फाइव मिनट्स समथिंग टाइम आप अपने किचन में स्पेंड करते हैं ओके एंड बाथरूम बाथरूम में आप हाफ एन आवर मीन्स के आधा घंटा आप हाफ आवर आप उसमें बाथरूम में यूज़ करते हैं फिफ्टीन मिनट मॉर्निंग एंड फिफ्टीन मिनट इवनिंग ओके तो आप आप इतना टाइम पर स्पेंड करते हैं नाउ क्वेश्चन स्टूडेंट्स इज देयर इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस ओके आई एस एज टीएचर देयर ए एन वाई एनी पी ए आर टी पार्ट O -f O.F. of you, you Y.O.U.R. Your -E H.O.U.S.E. House W.H.E.R.E. Where a, P -a, -i -u -l -a P.A.R.T.I.C.U.L.A.R. Particular -e -e M.E.M.B.E.R. Member O.F. of you, you Y.O.U.R. Your F.A.M.I.L.Y. Family -e S.P.E.N.D.S. spans M O R E M.O.R.E. More T.I.M.E. Time Is there any part of your house where a particular member of your family spends मोर टाइम इस मीन्स है देयर मीन्स वहां एनी पार्ट कोई भाग ऑफ योर हाउस आपके घर का वेयर जहां अ पर्टिकुलर मेंबर जहाँ कोई एक विशेष सदस्य ऑफ योर फैमिली आपके परिवार का स्पेंड्स मीन्स से खर्च करता है मोर टाइम अधिक समय तो क्या आपके घर का घर का कोई ऐसा भाग है ऐसा कोई रूम है जहां पर आपके परिवार का कोई विशेष सदस्य बहुत अधिक समय व्यतीत करता है सो आई नो स्टूडेंट्स ऑल यू हैव अ आंसर एंड यूर आंसर इज माई मॉम स्पेंड्स मोर टाइम इन द किचन क्योंकि आपकी मम्मा सबसे ज्यादा समय किचन में ही रहती है है कि नहीं इट ओके सो यू कैन राइट येस माई म माई मदर या माई मॉम स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन द किचन ओके तो आप लिख सकते हैं कि मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा समय दिन में किचन में व्यतीत करती है क्योंकि ममा को ब्रेकफास्ट बनाना होता है लंच बनाना होता है डिनर तैयार करना होता है और साथ में किचन का अदर वर्क क्लीनिंग डस्टिंग भी उनको करनी होती है तो सबसे ज़्यादा समय अपना कहाँ पर स्पेंड करती हैं किचन में स्पेंड करती है सो अगेन आई विल टेल यू व्हाट्स योर आंसर योर आंसर इज येस माई मदर स्पेंड्स most of her time in most of her time in the kitchen okay now next question students is is there -E, they are any -N -E, part of of -U -U you are, H O U S E house, W H E R E where, particular, F A M I L Y family, M E M B E R member, N E V E R never, G O E S goes, O R or, G O E S goes, F O R for. अ एस एच ओ आर टी शॉर्ट टी आई एम ई टाइम क्वेश्चन मार्क इज देअर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वे आर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज और गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम ओके इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस ओके इज मीन्स है देयर मीन्स वहाँ एनी पार्ट कोई भाग ऑफ योर हाउस आपके घर का ऑफ योर हाउस आपके घर का फर जहाँ एक पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर विशेष परिवार का कोई एक विशेष परिवार का सदस्य नावर मीन्स कभी नहीं गोज मीन्स जाता है और गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम या फिर बहुत ही शॉर्ट मीन्स कम समय के लिए शॉर्ट टाइम कम समय के लिए वह जाता हो तो क्या आपके घर का कोई ऐसा भाग है या आपके घर का कोई ऐसा रूम है जहाँ पर आपके परिवार के कोई एक विशेष सदस्य कभी नहीं जाते हो या फिर अगर जाते भी हैं तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जाते हो। यस आई नो दिस आंसर ऑल्सो यू ऑल हैव ओके सो यस योर फादर नेवर गोज़ टू द किचन और गोज फॉर अ शॉर्ट टाइम या योर ग्रैंड फादर आपने देखा होगा कि आपके जो घर के मेल मेम्बर्स होते हैं यानी कि आपके दादाजी या आपके चाचा या आपके पापा वे किचन में ना के बराबर जाते हैं बहुत अगर जाते भी हैं तो बहुत ही कम समय के लिए जाते जाते हैं जैसे पानी पीने के लिए या फ्रिज से कोई चीज लेने के लिए ठीक है तो आपने देखा होगा आपके दादाजी और आपके पापा किचन में बहुत कम समय के लिए जाते हैं या फिर अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा सदस्य है अन्य कोई ऐसा सदस्य है जो कि बहुत कम समय के लिए किचन में जाता हो या कोई अदर सदस्य जो बहुत कम समय के लिए किसी और रूम में जाता हो तो यू कैन इंक्लूड यूर आंसर ये ओके बट इफ यूर फादर एंड योअर ग्रैंड फादर नेवर गोज टू द किचन देन यू कैन राइट है

Time. Alright students okay now here next y-o-u-u-m-u-s-t must h-a-v-e have seen that s-o-m-e some a-n-i-m-a-l-s animals a-l-s-o also l-i-v-e live w-i-t-h with u-s-s-i-n-n-o-u-r our h-o-u-s-e-s houses you must have seen that some animals also live with us in our houses सेज यू मस्ट तुमने मस्ट जरूर हैव सीन देखा होगा आपने अवश्य देखा होगा कि सम एनिमल्स कुछ जानवर ऑल्सो लिव विथ अस ऑल्सो मीन्स भी लिव मीन्स रहते हैं विथ अस हमारे साथ इन मीन्स में अवर हाउसेज हमारे घरों में आपने अवश्य देखा होगा कि कुछ जानवर हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं सम एस ओ एम ई सम ओ एफ ऑफ टी एच ई एस ई दीज ए एन एम ए एल एस एनिमल्स एल आईवी ई लीव डब्ल्यू आई टी एच विध यूएसआस ओके सम ऑफ दीज एनिमल्स लीव विथ आस सम मींस कुछ ऑफ मीन्स के दीज एनिमल्स ये जानवर लीव मीन्स रहते हैं विद हमारे साथ बीई सी ए यूएसई बिकब्लू वी डब्लू एन टी वॉन्ट टीएच दैम टीओ टू बिक वी वॉन्ट दैम टू बिक मीन्स क्योंकि वी मीन्स हम Want means चाहते हैं दैम मीन्स उनको तो आपने देखा होगा कि कुछ जानवर हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं जिनमें से कुछ जानवर तो हमारे साथ इसलिए रहते हैं क्योंकि हम उन्हें चाहते हैं जस्ट लाइक पैट एनिमल डॉग कैट माउस ओके पैरेट जो भी हमारे पालतू जानवर होते हैं वाइल्ड जबकि सम आर देयर अन इनवाइटेड सम मीन्स कुछ आर हैं देयर वहाँ अन इन्वाइटेड मतलब बिना बुलाए जिनको हम नहीं चाहते हम नहीं बुलाते फिर भी वे हमारे साथ रहते हैं जस्ट लाइक कॉकरोच कॉकरोच को आप कभी इन्वाइट नहीं करते अपने किचन में ओके माउस माउस मीन्स एक तो माउस पाला जाता है ज़्यादातर वाइट माउस हम पालते हैं सफ़ेद चूहा लेकिन जो नॉर्मल माउस होते हैं उसे भी हम नहीं चाहते हैं लेकिन वो फिर भी अन इनवाइट होते हैं, ओके ऐसी लीजर्ड स्टूडेंट छिपकली गर्मियों में बहुत दिखाई देती है तो क्या हम लीजर्ट को इनवाइट करते हैं अपने घर में रहने के लिए नो no, हम को, हम को को इनवाइट नहीं करते मॉस्किटो मॉस्किटो भी हमारे साथ रहते हैं लेकिन हम मॉस्किटो भी को भी कभी, कभी इनवाइट नहीं करते वो भी क्या है अन इनवाइटेड एनिमल्स हैं जो हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं ऐसी आंट चीटियां भी अगर हमारे घर में मीठा गिर जाए तो चीटियां भी रह जाती हैं हमारे घर में है ना तो हमें चीटियां भी पसंद नहीं होती ऐसी कॉकरोच लीजर्ड माउस कुछ ऐसे एनिमल्स हैं मॉस्किटोज जो अन इन्वाइटेड होते हैं लेकिन फिर भी हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं ऑल राइट स्टूडेंट्स सो नाउ टुडे क्लास इज ओवर टुमारो वी विल रीड न्यू न्यू टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर Alright, students. So, till then, take care. Revise all work. Okay, stay happy, students. Bye bye. I will be back tomorrow. Bye.